सैलेड्स की दुनिया में ना बहुत अलग अलग सी वेरिएशंस होती हैं। आपका अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी है बढ़िया रहता है। फ्रिज में अक्सर हमारे क्यूकम्बर यानी कि खीरा जरूर मिलता है, इसलिए उसी का इस्तेमाल करके आज हम बनाएंगे एक सिंपल सी क्यूकम्बर सैलेड जिसकी टेस्ट की गारंटी मैं लेता हूँ। शुरू करते हैं। क्यूकम्बर को हमें स्लाइसेस में काटना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। आप चाहे तो इसके स्किन को रिटेन कर सकते हैं, चाहे तो इसे पील भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा स्किन इसमें रहेगी रिटेन्ड, उतना ज़्यादा फाइबर इस सैलेड के अंदर रहेगा। खीरा जो है ना बहुत ही वर्सेटाइल होता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहला पिकल यानी कि अचार बना था वो खीरे का बना था और हिंदुस्तान में ही बना था। अगर आप ये गर्मी में बना रहे सैलेड तो आप इसके अंदर ककड़ी भी डाल सकते हैं, अगर ये सर्दी में बना रहे हैं तो इसके अंदर लाल गाजर भी डाल सकते हैं। ये हो गया खीरा तैयार। अब यहाँ से स्टेप बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ड्रेसिंग बनानी है। अब इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गुड़ का। ये गया गुड़, आप चाहें तो शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर गुड़ आपके पास नहीं है। ज़रा सा नमक, जस्ट अ लिटिल। इसी के अंदर हम डालेंगे खूब सारा लेमन जूस, इसके अंदर ज़रा सी अदरक, इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। अब सोया सॉस भी दो तरीके की आती है मार्केट के अंदर, एक होती है डार्क सोया सॉस और दूसरी होती है लाइट सोया सॉस। दोनों में फ़र्क क्या है, जो लाइट होती है उसका रंग, उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी हल्की होती है, तो ये लाइट सोया सॉस गई। साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूँ सेसमे ऑयल, अगर सेसमे ऑयल नहीं है आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको ऑयल बिल्कुल अवॉइड करना है दैट्स परफेक्टली फाइन। इसमें हम डालेंगे तिल, तिल को मैंने हल्का सा भून लिया है पैन पर, लेट्स जस्ट मिक्स दिस अप, अच्छे से मिलाएंगे ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। परफेक्ट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपको चेक करना है, टेस्ट करना है ड्रेसिंग को। बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा मीठी, परफेक्ट, क्योंकि जब क्यूकम्बर के अंदर वो जाएगी अपने आप इसके ये फ्लेवर्स मेलो हो जाएंगे। नाउ सिंपली क्यूकम्बर हम लेंगे, उस पर हम डालेंगे चॉप्ड रेड बेल पेपर्स। अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च नहीं है तो ताज़ी कटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये गई ड्रेसिंग और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लुक एट दैट ब्राइट ग्रीन एंड ब्राइट रेड, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, दैट्स इट। अब इसे हमें 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं क्यूकम्बर उसे सोक अप कर ले। 15 मिनट हो चुके हैं क्यूकम्बर सैलेड को रेस्ट करते हुए, चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारी क्यूकम्बर सैलेड डन।